जॉय, आज वैलेंटाइन्स डे है, तू मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए? हाँ लाया हूँ ना। क्या लाया देखा? रुको रुको, ये है केमिस्ट्री का रेफरेंस बुक। बुक वैलेंटाइन्स डे वाली? अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन्स डे वाली बुक कौन देता है बुद्धू? वो तो क्या देता है? तुम्हारा सर। एक काम करो, अपना सर ही दे दो। क्यों? नहीं, उसमें देखना उसमें कितना गोबर भरा हुआ है। सुनो, अच्छा ठीक है, मैं मजाक, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। क्यों? ये करो ना। अच्छा बोलो, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? बहुत बढ़िया। अभी अपने तुम आंखें बंद करो, भी कुछ देना है तुमको। जब भी एक्शन बोलेगा डायरेक्टर संग संग डायलॉग नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा 2 सेकेंड या 3 सेकेंड पॉज लेकर कैरेक्टर के अंदर घुस जाना, उसके बाद प्रिपेयर, अंदर से प्रिपेयर होकर डायलॉग बोलना। पहले एक्सप्रेशन होना चाहिए फिर डायलॉग। जब एक्शन बोलेगा पहले क्या होना चाहिए? एक्सप्रेशन। बहुत लोग क्या करते हैं, डायलॉग बोल देते हैं, एक्शन डायलॉग शुरू हो गया। अब एक्सप्रेशन आने से क्या, कैरेक्टर के अंदर तुम घुस गए। जैसे मैं उदास हूं, एक्शन। अरे तुम्हें तो पहले कैरेक्टर के अंदर घुसना होगा। अब अगर उदास हो तो उदास वाला फीलिंग्स लाओ, फिर डायलॉग कभी आगे मत बोलना। पहले एक्सप्रेशन फिर डायलॉग। एक्सप्रेशन जब भी दोगे मतलब तुम कैरेक्टर के अंदर घुस गए हो। समझ आया? सबको समझ आया? जो फेशियल लोग पूछता नहीं, सर मेरा बिजनेस क्या है? क्या कहते हैं? बिजनेस। डायलॉग के आगे बिजनेस। क्या बोलता है सर? बिजनेस। डायरेक्ट डायलॉग से बोलोगे? अच्छा आज वैलेंटाइन डे, कोई बिजनेस तो करना होगा। क्या बिजनेस? बिजनेस मतलब मैं तभी क्या कर रहा था या मैं क्या कर रहा हूं, फिर डायलॉग बोलूंगा। जैसे एक माँ का कैरेक्टर का है, क्या कर रहा है? आलू छील रहा है। बिजनेस क्या है? आलू छील रहा है, फादर का एंट्री। तो तुम्हारा बिजनेस क्या है? एक पार्क में हो तुम, घूमने आए हो, और जो लड़की का कैरेक्टर वो देख रहा है आजू बाजू में, जब जोड़ा एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे और तुम देख रहे हो। ठीक है, देख, तुम चारों तरफ देख के डायलॉग बोलोगे उसको। ठीक है, रेडी? बिजनेस समझ आया? कैरेक्टर के अंदर घुस जाओ दोनों। आपका बैठना ठीक नहीं है, पोजीशन ठीक करो। ये कैरेक्टर एक सॉफ्ट, एक क्या, लड़का और लड़की का दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। एक दूजे के लिए बना है, एक दूजे के पास। हाँ, लड़की थोड़ा स्मार्ट है और लड़का क्या कैरेक्टर है? बुद्धू। क्या बोला मैंने? तो तुम स्मार्ट वाला एक्टिंग नहीं करोगे। जो चीज का रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम वही कैरेक्टर करोगे। तुम हो सकते तुम स्मार्ट हो, मगर तुम्हें यहाँ दिखाना पड़ेगा कि तुम बहुत बुद्धू हो, और तुम्हें यहाँ पे दिखाना होगा तुम बहुत ही स्मार्ट हो। क्लियर? तुम हाँ, दो दो एडजस्ट करो, दोनों के एक तरह बैठना होना है। यस, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर यूज करना, डायलॉग जब डिलीवरी करोगे बॉडी लैंग्वेज यूज करना। ठीक है, रेडी? देखो चारों तरफ देखो, थोड़ा स्माइल देके देखो, अच्छा लग रहा है। अरे बुद्धू नाम बैठा है तुम्हारा पास। अच्छा जॉय, आज वैलेंटाइन डे है, तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए? हाँ लाया हूँ ना। क्या? ये लो, ये केमिस्ट्री का रेफरेंस बुक। केमिस्ट्री का रेफरेंस बुक? वैलेंटाइन डे वाले दिन बुक कौन देता है? तो फिर क्या देता? काम करो, वो अपना सरी दे। क्यों? पकड़ो। नहीं, देखना उसमें कितना गोबर भरा पड़ा होगा। सुनो,
करो ना, ठीक है मैं मजाक, ठीक है अपनी आंखें बंद करो, मैं देखती हूँ। सो कैसा रहा मेरा गिफ्ट? बहुत बढ़िया। अभी तुम अपना आंखें बंद करो, मुझे भी कुछ देना है। मिलेगा जानते हो? 10 में 2 मिलेगा, मतलब फेल हो गए तुम। और जब भी एक कैरेक्टर तुम्हें देंगे कास्टिंग डायरेक्टर, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा रिजेक्शन हो गया, नहीं लेगा। या चैनल में तुम ऑडिशन दोगे, डायरेक्ट स्क्रीन टेस्ट जाओगे, वो भी तुम्हें रिजेक्शन कर देगा। कहां गलती किया? क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज है बुद्धू की तरह ऐसे, तो क्या दू ऐसे करना होगा। जब मुझे समझ नहीं आया तो तुम एक ही बहुत सीरियस में हो गए हो तुम। अरेटा कथा बोलछी, अनेक समय सब जगह एसी থাকে না। দেখো কথা এসে দেখি। শুনো, এমন একটা জায়গা শুট হচ্ছে তুমি মধ্যবিত্ত ঘরে শুট হচ্ছে, সেখানে কি এসি লাগানো আছে? তো वहां पे মেকআপ ही ऐसे कर देगा, तुम्हें घाम ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है? जब भी घाम पसीना आया तो तुम बोल देना मेकअप आर्टिस्ट को, जैसे सर मैं पसीना हो रहा हूँ। क्या बोलोगे? पसीना हो रहा है। हाँ, तो पॉप कर दे। पर्सपिरेशन आ रहा है, इससे गंदा आ रहा है, इससे तुम्हें किस करने की हेजिटेशन हो रहा है, है ना? हाँ, सेम इसको भी। तो हाँ, तो एक्टर के लिए ये मायने नहीं रखता। अरे प्यार है प्यारी, तुम क्या इतना बच्चे की तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम ये फेक दुनिया है, यहाँ जो भी दिखावा के लिए कर रहा हूँ। पब्लिक को नहीं पता चलने से तुम उसे ये कर रही हो। हो सकता है कोई एक्टर की यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो तुम पब्लिक को ऐसे रिएक्शन देकर बोलोगे? वो तो अंदर की बात है ना। हमें क्या करना है? पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। क्या करना है? क्योंकि हीरो हीरोइन रोमांस करने के बाद कोई किसी को पहचानते नहीं, घर चला जाता है। तू अपना घर, मैं अपना घर, समझा? बहुत सारे सीरियल में होता है या मूवी में हीरो हीरोइन दोनों दूसरे से नफरत करता है, बस तो रियल लाइफ में। मगर जब एक्टिंग करते हैं पब्लिक को ऐसा कोई रिएक्शन से पता नहीं चलता जो दोनों के अंदर ऐसा अनबन है, समझा? और कभी भी कोई एक्टर के सामने ये मत बोलना कि गंदा वहाँ पे बदबू आ रहा है, ये उसको बुरा लगेगा, वो हर्ट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ दूसरे के बारे में, जब तुम नया एक्टर के साथ काम करोगे उसको बोलो कि तुम्हारे पसीना आ रहा है, उसके साथ काम करके तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। उतना टाइम में शूटिंग, आप वहां से घर से आया, मेकअप होगा, शूटिंग होगा, अंडरस्टैंडिंग कब होगा? दिखा दो एक बार, डेमो कर लो किस कैसे। ओ यही बोल रहा हूँ, यही अनकंफर्टेबल आएगा, ऐसे घूम रहे हो, ऐसे कर रहे हो ना, पहले पोजीशन लो, पहले पोजीशन का। अब किस का वाली आया, वहां से डायलॉग शुरू करो, तुम आंख बंद करो। हाँ यस, तुम आंख क्यों खुला? नहीं, वो उसको तुम आहिस्ते आहिस्ते खोलना, जल्दबाजी मत करना, आहिस्ते आहिस्ते, मैं फटक फटक से नहीं खुलना, आहिस्ते और स्माइल देना, आंखें मत करना क्योंकि उसका मुंह गार्ड हो जाएगा। आप नीचे से करना, नीचे से यहाँ पे पकड़ के उसकी यहाँ पे किस देना, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम अपनी आंखें बंद करो, मुझे जो करना है। हाँ ठीक है, और तुम फ्लेक्सिबल होना, उसमें टाइट मत देना, उसको झूल देना, थोड़ा झूल देना। ठीक है, देखो ये वाला पोज मुझे अच्छा लगा,
अच्छा मैं आंखें बंद करता हूँ, फिर तुम इस पोजीशन में बैठना तो उसको इजी हो जाएगा, ठीक है? मगर तुम इस पोजीशन में बैठना क्योंकि वो यहाँ पे देना है, समझ रहा? चलो रेडी एक्शन. जॉय, आज वैलेंटाइन्स डे है, मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आए? हाँ लाया हूँ ना, वो तो है. ये तो ये केमिस्ट्री का रेफरेंस बुक है, वो वैलेंटाइन्स डे वाली गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन्स डे वाले दिन बुक कौन गिफ्ट करता है? तो फिर क्या गिफ्ट करता है तुम्हारा सर? पहले शॉट में हाथ में थमा दिया, ठीक है, दूसरी शॉट में तुम बुक्स को डाल दिया, तो मैच कर रहा है, मैच करना चाहिए. और एक बात बताओ, वो एक एक्टिंग में कभी इसको ब्लेम वो नहीं ले रहा है, मैं ले रहा, दोनों का गलती मान लेगा हम, याद रखना, क्योंकि सीन तो बर्बाद हो रहा है ना. आप ये नहीं बोलोगे उसकी वजह से सीन बर्बाद, टाइम सबका वेस्ट हो रहा है, तो किसकी वजह से कभी ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम लोग एक ही नाव पे हो जहां पे अगर छेद हो गया तो दोनों डूबोगे, किसी की तरफ छेद होगे, तुम्हारा तरफ छेद होगे तो भी नाव डूबेगा, इसकी तरफ छेद होगे तो भी नाव डूबेगा, डूबने तो वाला नाव ना, ठीक है? तो सेम बॉडी लैंग्वेज यूज करो, पहले शॉट में जो बॉडी उसको पकड़ दो, ये लो तुम्हारा केमिस्ट्री बुक जैसे किया तुमने, या रख दो एक ही पकड़ के चलो, हाथ में दो या नीचे रख दो. एक्शन. फोर.